हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं मिथुन साहू स्वागत करता हूं हमारे चैनल साहू ब्लॉग्स में। तो मेरे ये पहला चैनल मैंने पहली बार ओपन किया है और मैं आपको बताने वाला हूं, जितने भी हमारे अभी छोटे मोटे मैं किसी सीट में काम करता हूँ जो कि सीपीआर लाइन रहता है, और स्पेशली मैं हमारे जितने भी देखते हैं ये चैनल को, वीडियोस वगैरह देखते हैं, दोस्त वगैरह, सबको बताना चाहता हूँ कि उनको भी पता चले कि यहाँ पे जितने भी सीट में हम काम करते हैं कैसे काम होता है। जिन्होंने अभी तक देखा भी नहीं है, एक्चुअली सीट में कभी गए नहीं है, उनके लिए ये छोटी छोटी बातें इनको पता चलेगा तो बहुत हेल्पफुल हो सकती है उनके लिए। जैसे कि आप घर बैठे भी मोबाइल से यूट्यूब से ये वीडियोस वगैरह देख के उसका मज़ा ले सकते हैं, जान सकते हैं कैसे काम होता है, क्या होता है, तो स्पेशली मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। तो अभी हम देख रहे हैं अपना एक ऑयल रिग, जो कि मैं आपको बाहर के साइड्स में दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये गैंगवे है जो लगा हुआ है और इसके ऊपर से हम ऊपर जा सकते हैं अनबोर्ड में, और ये ऊपर का व्यू है आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए कैसे चारों ओर से लाइट चली हुई है, लाइट भी हुआ है, मैं लाइट पर गया था एक बार देखने के लिए और आप लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी देने के लिए। ये अनबोर्ड बोले तो इसमें हम देखिए, ये मैं ड्रिल फ्लोर में हूँ और ये देखिए यहाँ से ड्रिल आके नीचे जाके ऑयल को बाहर निकालता है, और ड्रिल फ्लोर से तो ड्रिल से ऑयल को कलेक्शन करके एक टैंक में भेजता है। और ये एकोमोडेशन है, वाइट कलर का एक बिल्डिंग जैसा दिख रहा है आपको, ये इसके ऊपर ही है जहाँ पे अपना शिफ्ट रूम रहता है। स्पेशली हमारा काम चल रहा था तो मैं आपको वही लोकेशन पे भी लेके जाता हूँ। ये एक रूम है जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल के सपोर्ट्स बना रहे हैं जहाँ पर केबल्स वगैरह आ सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पर जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ वर्कर भी अभी भी काम कर रहे हैं और वो अभी केबल लेडर बना रहे हैं। केबल लेडर बोले तो हम जिस एक लेडर रहता है जहाँ पर केबल्स लेते हैं, यहाँ पर उसको केबल लेडर कहते हैं। यहाँ पर वेल्डिंग ग्राइंडिंग सब चलता है जिससे हम सपोर्ट्स वगैरह लगा सकते हैं और केबल्स उसके बाद कूलिंग हो सकते हैं। यहाँ पर एक मशीन है, वो मशीन के लिए हम केबल कभी फिक्स करते हैं, वो मशीन पे हमारा काम खत्म होने के बाद केबल वगैरह फिक्स हो जाएगी और हमारा काम खत्म होने के लिए टाइम लगेगा। इस वक्त में आपको ये दिखाना चाहता हूँ, बस चलिए बाहर चलते हैं। देखिए ये आउटर व्यू है आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये मैंने एक डॉक के साइड में से लिया है, कितने सारे ऑयल रिग हैं देख देख सकते हैं।